अजनी रेलवे क्वार्टर में ले जाकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले चार के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इन आरोपियों में दो नाबालिग हैं। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार अजनी परिसर में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग को कौशल्या नगर गली नंबर 17 निवासी आरोपी वैभव ज्ञानेश्वर घोड़ेस्वार ने घूमने जाना है कहते हुए फोन करके बुलाया और उसे घूमने ले जाने के बहाने गाड़ी पर बिठाकर अजनी रेलवे परिसर के एक रेलवे क्वार्टर में ले गया। पहले से ही क्वार्टर में आरोपी अमन सुनील नागदीवे और 16 व 17 वर्षीय दो नाबालिग मौजूद थी। इसके बाद एक एक कर आरोपी वैभव और अमन ने दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों नाबालिगों ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद नाबालिग को उसके घर छोड़ दिया गया। इस घटना की जानकारी नाबालिग ने परिजनों को दी। इसके बाद इसकी शिकायत पुलिस में की गई। चार लड़कों के खिलाफ वो जो अल्पवयीन लड़की है उसने तकरार दी है और उसमें से जो चार आरोपी उसने नाम बताई थी उसमें से दो लड़के हैं जो जुवेनाइल है, विधि संघर्ष बालक है, और दो है वो मेजर है। लड़की का जो दोस्त था स्कूल में जो उसके साथ में 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था उसके साथ और उसके और एक दोस्त के साथ लड़की गई थी घूमने के हिसाब से और वहाँ पे उन्होंने एक जो रेलवे क्वार्टर का पड़िक जो क्वार्टर है वहाँ पर उसको लेकर गए और उसके साथ में वहाँ पे चार लोगों ने चार में से तीन लोगों ने शारीरिक संभोग किए ऐसी उसने तकरार दी है। वहाँ पे जो एक आरोपी है चार में से तो उसको वो हाथ मजूर करने वाला है रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जो मजूर है उनमें का तो उसको ठेकेदार ने वो पड़ी क्वार्टर रहने के लिए मजूर को अलॉट किया हुआ है यानी दिया था। अभी वो तपास कर अभी ये कल जो गुना दाखिल हुआ है तो प्राथमिक यही गुने के संबंध का तपास चालू है। ठेकेदार के सिलसिले में अभी तपास होना बाकी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भानवी की धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News, नागपुर।